पांकी रोड में स्थित ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल की ओर से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में शामिल विद्यार्थियों ने एक से बढ़कर एक उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राहगीरों को अपनी ओर आकर्षित करते रहे। विद्यालय प्रांगण में भाजपा के प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख मनोज सिंह और निवर्तमान डिप्टी मेयर मंगल सिंह समेत अन्य अतिथियों ने तिरंगा दिखाकर शोभा यात्रा को रवाना किया। जनकपुरी में महापौर अरुणा शंकर, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर शुक्ला और मणिकांत सिंह के समक्ष विद्यालय की छात्रा ने कर्तव्य के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की कि अब लड़कियां कमजोर नहीं हैं, किसी भी मामले में वो लड़कों को पछाड़ सकती हैं और अपना हिफाजत खुद कर सकती हैं। ग्रीन वैली की छात्रा के उत्कृष्ट प्रदर्शन को देख महापौर अरुणा शंकर खुद को रोक नहीं सकी और छात्रा के बचाव में उतरकर छात्रा को विजयी घोषित कर दिया। ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल द्वारा निकाले गए इस शोभा यात्रा में जहां भारत माता का दर्शन हो रहा था, वहीं छमुहान चौक पलामू किला की झांकी लोगों को आकर्षित कर रही थी। शोभा यात्रा में मोबाइल के जाल में फंसे हुए लोगों को भी दिखाया गया था और उससे निकलने के रास्ते भी बताए गए थे। पूरे शहर में भ्रमण कर आज़ादी के मायने बता रहे ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल के छात्रों ने एक से बढ़कर एक कला का प्रदर्शन किया। वहीं सैकड़ों समाज सेवियों को और समाज में अग्रणी भूमिका निभाने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया।